और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बता दें। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर यशपाल का बीती रात दिल्ली के पास नोएडा में निधन हो गया है। प्रोफेसर यशपाल 90 साल के थे। इनको पद्म विभूषण और पद्म भूषण समेत कई सम्मान जो है उनसे नवाजा जा चुका है। प्रोफेसर यशपाल का जन्म 26 जनवरी 1926 में हुआ था। यशपाल अनेक महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, जिनमें योजना आयोग में मुख्य सलाहकार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी विभाग में सचिव और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अध्यक्ष का पद शामिल है। यशपाल दूरदर्शन पर काफी चर्चित विज्ञान कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट में बतौर एंकर काम किया करते थे। वो विज्ञान को साधारण शब्दों में आम जनता तक पहुंचाने के प्रयासों के कारण लोकप्रिय रहे हैं। भारत की छाप जैसे टीवी के विज्ञान कार्यक्रमों के सलाहकार मंडल में भी वो शामिल रहे थे। उनसे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको बता देते हैं। 26 जनवरी 1926 को उनका जन्म हुआ था और साल 1983 से 1984 में वो योजना आयोग के मुख्य सलाहकार रहे। 1986 से 1991 तक यूजीसी के चेयरमैन भी रहे और उच्च शिक्षा के लिए बनी कमेटी की अगुवाई उन्होंने की थी। दूरदर्शन पर विज्ञान से जुड़े कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट के एंकर वो रह चुके हैं। 1976 में पद्म भूषण सम्मान से उन्हें नवाजा गया था। साल 2007 से 2012 तक जेएनयू के चांसलर रहे और 2013 में उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। तो 90 साल के थे प्रोफेसर यशपाल और एक मशहूर वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते थे। विज्ञान को एक सरल भाषा में लोगों तक उन्होंने पहुंचाया। दूरदर्शन के एक कार्यक्रम में वो एंकरिंग किया करते थे और लोगों तक विज्ञान की अलग अलग चीजों को पहुंचाते थे। बेहद ही सरल भाषा में उन्होंने ये काम किया। कई पदों पर भी वो रहे और आपको बता दें उनका जन्म 26 जनवरी 1926 को हुआ था। टर्निंग पॉइंट नाम का एक कार्यक्रम था जिसको वो एक बतौर एंकर पेश किया करते थे और बेहद ही साधारण शब्दों में आम जनता तक विज्ञान की बड़ी बड़ी बातें वो पहुंचा दिया करते थे और इसी कारण इन्हीं प्रयासों के कारण वो काफी लोकप्रिय भी रहे। भारत की छाप जैसे टीवी के विज्ञान कार्यक्रमों के सलाहकार मंडल में भी वो शामिल थे।